जानपुर के विधायक विजय मिश्रा को भदोही पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया था। वहां से विजय मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही की न्यायालय में उनको पेश किया गया था, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के मालवा से विधायक को ट्रांजिस्ट रिमांड पर लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। गौरतलब है कि पुलिस विधायक को करीब 4 बजे लेकर जिले में पहुंची थी, जहां से सीधा कोरोना टेस्ट के लिए ले जाया गया। हालांकि भदोही आने के दौरान उनके हजारों समर्थकों को भदोही जिले से लगी ऊंज सीमा में ही रोक दिया था। हालांकि विधायक ने जांच के लिए गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया था। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का कहना है कि पहले मेरे भाई या घर के किसी सदस्य को बुलाया जाए, तभी मैं जांच के लिए जाऊंगा, लेकिन किसी तरह से पुलिस ने समझा बुझा कर उनकी कोरोना जांच कराई। हालांकि स्थिति को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मौके पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया था। विधायक विजय मिश्रा की दोनों बेटी यानी रीमा मिश्रा, सीमा मिश्रा सहित सभी परिजन कोर्ट परिसर पहुंच गए थे। वहीं उनके वकील भी कोर्ट परिसर में ही उपस्थित थे। गौरतलब है कि भदोही जिले के धानपुर दक्षिण गांव निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने उनके मकान पर कब्जा किया है और इसलिए उनको मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में लाया गया और इसके बाद फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।